हेलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जिसमें हम लोग पढ़ना था क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लीवेज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेशन कैसे होता है किसी एल्कोहल में। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पे बेस्ड है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पे बेस्ड। अब देखिए, जब ये टॉपिक आप पढ़ रहे होगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो दो तीन चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले एल्कोहल की बात हो रही है। एल्कोहल्स क्या होते हैं? बेसिकली एल्कोहल्स आर द लेविस बेस, क्योंकि उनके पास लोन पेयर डोनर होते हैं। ठीक है, तो इनको डिहाइड्रेट कराओगे एल्कोहल को, तो उसमें से वाटर रिलीज होगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कीन फॉर्म एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पॉइंट पहले नोट करते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल विल गिव, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल विल गिव व्हाट? एल्कीन एज अ प्रोडक्ट। एल्कीन एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? एल्कीन प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है ना, जब हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कराते हैं। जैसे मान लो आपने कोई एल्कोहल ले लिया, ये एल्कोहल है, सपोज करो दिस इज द एल्कोहल, हमने इसका क्या करा दिया? डिहाइड्रेशन हमने इसका क्या किया? करवा दिया। अब डिहाइड्रेशन होगा, तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का निकलना। ठीक है ना, तो वाटर कैसे निकलता है आप देखिएगा। पहले ये बनेगा कैटायन, ये पहले क्या बनेगा? कार्बो कैटायन। जब डिहाइड्रेशन कराने जाते हो तो पूरा मेथड ही कार्बो कैटायन से जाता है, ये कार्बो कैटायन बनता है। ठीक है, ये OH पहले यहाँ पे प्रोटोनेट होकर निकलेगा, कि डिहाइड्रेशन में हम H प्लस आयन लेते हैं। अभी आपको रिएजेंट लिखवाता हूँ, ये प्रोटोनेट होकर इस पर चला आता है। ठीक, आपको कैटायन बनता है और कैटायन फिर प्रोड्यूस करेगा आपको ये डबल बॉन्ड, ये आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखना ये पूरा कैसे प्रोसीड हुआ, कैसे बना। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में जो बातें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। वो बातें देखिए क्या क्या है। सबसे पहली बात, द इम्पोर्टेंट बात ये है कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो प्रोसीड करता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फॉलो इवन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म फॉलो करता है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है कार्बोकैटायन का, कार्बोकैटायन से जाता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट प्रोसीड थ्रू ए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो क्या है कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से ये प्रोसीड करता है, इसमें कार्बोकैटायन्स बनते हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, कार्बोकैटायन के बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस इन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। जब भी एल्कीन का डिहाइड्रेशन कराइएगा तो आपको क्या मिलेगा? रीअरेंजमेंट मिलेगा। और ये रीअरेंजमेंट क्या होता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट तो हो के रहेगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा और हम देखेंगे कि रीअरेंजमेंट कैसे कैसे प्रोसीड करता है। तो वन बाई वन हम इसको देखने जा रहे हैं कि डिहाइड्रेशन जब होता है तो रीअरेंजमेंट्स कैसे होते हैं। ठीक है, रीअरेंजमेंट्स कैसे होते हैं वन बाई वन चलो चेक करते हैं। सबसे पहले डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से हैं जो इसको डिहाइड्रेशन करने पे मजबूर करते हैं? तो आइए एक रिएक्शन से समझते हैं कि कौन है जो डिहाइड्रेशन करवाता है एल्कोहलों का। ठीक है, ये आपने लिया टर्शरी ब्यूटेनॉल और हमने इसमें डाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। कई सारे हैं, वन बाय वन मैं आपको लिस्ट बनाता हूँ कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा आइसोब्यूटीन प्लस वाटर बन जाएगा प्रोडक्ट। अब इसका देखना है कि पहले डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है जिनको डिहाइड्रेशन कराने का शौक लगा हुआ है। तो देखिए यही लोग हैं जो डिहाइड्रेशन कराते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट इनको हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, These pupils are known as dehydrating agent. सबसे पहला है, the most famous is
कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है डिहाइड्रेशन करने के लिए एल्कोहल्स का। आप जब पढ़ोगे एल्कोहल के डिहाइड्रेशन में, आपने क्लास 12 से यही पढ़ा होगा, H2SO4 जो होता है कॉन्सनट्रेटेड, ये बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कभी आपके हाथ पे H2SO4 गिर जाए, देखे हो ना, तो वहाँ पे फफोले पड़ जाते हैं, फोड़े पड़ जाते हैं। फोड़े क्यों पड़ते हैं? क्योंकि वहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है। H2SO4 क्या करता है, पानी को डिहाइड्रेट करता है, वाटर डिहाइड्रेट करता है, तो क्या करता है, हर स्किन के हर पार्ट से वाटर को एक्यूमुलेट करता है, इसीलिए आपको फोड़े पड़ जाते हैं H2SO4 से जलने पे, ठीक है। दूसरा है 85% यूज़ करते हैं हम लोग H3PO3। हमारे पास क्या 85% H3PO4, इसको भी यूज कर सकते हैं। तीसरा जो कॉमन रिएजेंट है, दैट इज एल्यूमिना, रेड हॉट एल्यूमिना यूज करते हैं। फोर्थ जो रिएजेंट यूज करता है, दैट इज थोरियम ऑक्साइड भी इसी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट चौथे के बाद जो यूज करते हैं, पांचवा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इसका यूज किया जाता है डेसिगेटर्स में। डेसिगेटर होता है जब हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने जाते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, बट जब हम प्रेसिपिटेशन करने जाते हैं तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, और उस प्रेसिपिटेट को ड्राई होने के लिए, मॉइस्चर फ्री होने के लिए हम एक ग्लासवेयर यूज करते हैं, ग्लास का बॉक्स, दैट इज कॉल्ड डेसिगेटर, दैट इज फिल्ड बाई एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और उसको रख के ग्रीस से टाइट कर देते हैं। अंदर का पूरा मॉइस्चर क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा तो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, और आपका जो भी प्रेसिपिटेट होगा वो वाटर मुक्त, मतलब डिहाइड्रेटेड रहेगा, इसलिए यूज करते हैं। छठा यूज करते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के बाद एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी, ये भी डिहाइड्रेशन का काम करता है, ठीक है। ये एल्कोहलों में से पानी निकालने वाले वो रिएजेंट है जो आसानी से वाटर को रिलीज करा देते हैं। तो दीज आर सम कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बाय द यूज ऑफ दीज रिएजेंट वी विल ऑब्टेन एन एल्कीन एज अ प्रोडक्ट। मोस्ट कॉमनली आजकल इन्हीं तीनों को हम लोग यूज करते हैं और इन्हीं तीनों को पढ़ते हैं, ये कॉमन है, ठीक है, दीज आर कॉमनली यूज। अब आइए देखते हैं पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है, पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है, वन बाय वन। तो आपने देखा बेटा टर्सरी ब्यूटेनॉल की कहानी, अभी हमने आपको क्या दिखाया, टर्सरी ब्यूटेनॉल। अगर इस पे हम डालते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो हमने आपको बताया आपको आइसोब्यूटीन मिलेगा प्लस मिलेगा वाटर। ये वाटर इसी एल्कोहल से आया है। इसकी पूरी क्रियाविधि समझते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं, ये कैसे हुआ। तो देखो भैया ये कैसे हुआ, ये कुछ ऐसे हुआ। सबसे पहले स्टेप में जो एल्कोहल है, ये लेविस बेस का काम कर रहा है, इस पे आपका H+ आयन एसिड का आता है और इसको कर देगा प्रोटोनेट। ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट। जैसे ही प्रोटोनेट होगा, ये आपका बन जाएगा OH2+, एंड OH2+ इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। फिर ये क्या करता है, आसानी से यहाँ से लीव करके निकल जाता है, ये आसानी से यहाँ से लीव करके क्या होता है, निकल जाता है। और जैसे ही ये निकलेगा, हमें क्या देके जाएगा, कार्बोकैटायन। वी विल ऑब्टेन दिस कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया, क्योंकि हमने ब्यूटेनॉल लिया था, इसीलिए टर्सरी कार्बोकैटायन अपने को मिला। मैं इस टर्सरी कार्बोकैटायन में जो एच है, इसको ऐसे लिख दिया। देखो भैया, ये आपका जिस पे एल्कोहल जुड़ा होता है वो कार्बन अल्फा कहलाता है, उससे अटैच बाकी सभी कार्बन जो CH3 है वो क्या कहलाते हैं, बीटा। तो इवन एलिमिनेशन एक टाइप का क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन। अब क्या है, जहां पे कैटायन बना आपका अल्फा कार्बन है, उससे अटैच नेक्स्ट कार्बन होता है बीटा, और बीटा से हाइड्रोजन क्या होता है, एलिमिनेट। हीट करता है, क्या होगा, बीटा से प्रोटॉन एलिमिनेट। और जैसे ही वो प्रोटॉन एलिमिनेट होगा, अपन लोग को ये वाला एल्कीन मिल जाएगा। वी विल ऑब्टेन दिस एल्कीन, है ना, ये एल्कीन अपन लोग को क्या होगा, मिल जाएगा। ये पूरा आपका मैकेनिज्म है। इस पूरे मैकेनिज्म में जो सबसे खास बात थी
वो आपको ध्यान रखना है, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन और इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। क्योंकि रिएक्शन कार्बोकैटायन से गया है तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किस पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बस यही फॉर्मूला है, यही कॉन्सेप्ट है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा डिहाइड्रेशन का रेट उतना हाई हो जाएगा, और जितना स्लो कार्बोकैटायन बनेगा डिहाइड्रेशन का रेट भी क्या होगा, उतना ही स्लो रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल बने तो आपको मेजर प्रोडक्ट हमेशा सब्स्टिट्यूटेड बनेगा और बहुत तेज़ी से बनेगा। अगर आपका कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, तो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। अब इन सब में सवाल आता है कार्बोकैटायन का, है ना। आइए देखते हैं कार्बोकैटायन को। कार्बोकैटायन पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूं जीओसी में कार्बोकैटायन्स क्या होते हैं। तो कार्बोकैटायन हमको पता है, कार्बोकैटायन जो होते हैं, एक लेस स्टेबल कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है मोर स्टेबल में, बट एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कभी रीअरेंज नहीं होगा लेस स्टेबल में। तो जब कार्बोकैटायन बनेगा तो हमेशा क्या होगा, जो मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल कैटायन जो होगा कार्बोकैटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन विल डिसाइड द फाइनल प्रोडक्ट। जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो आपका क्या डिसाइड करेगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना है, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी जो होता है कार्बोकैटायन का, इसमें देखोगे दो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। एक आएगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक का मतलब ये होता है कि ये कई जगह आपको फ्रिक्वेंटली यूज होते हुए मिलेगा, और इसके बिना हम कई रिएक्शन मैकेनिज्म परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने को समझना ये है कि कौन सी बला है और ये होता ही क्यों है, ठीक है। ये रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन क्या है और क्यों होता है किसी सिस्टम में, तो देखो क्यों होता है। रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस, a more stable carbocation from a less stable carbocation। तो एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, कहाँ से, फ्रॉम ए लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से। तो रीअरेंजमेंट इसीलिए होता है कि एक लेस स्टेबल कार्बोकैटायन जो हो वो रीअरेंज होके कहाँ चला जाए, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में। तो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन विल रीअरेंज टू फॉर्म मोर स्टेबल कैटायन, टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बो कैटायन, इसीलिए रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसीलिए पूरा रीअरेंजमेंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका रीअरेंजमेंट, दिस रीअरेंजमेंट इज लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फ्रॉम ए लेस स्टेबल कार्बोकैटायन, एंड दैट इज व्हाई रीअरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, कि एक लेस स्टेबल कैटायन क्या हो जाए, मोर स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट हो जाए, है ना, मोर स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो कैसे कन्वर्ट होता है, इसके भी अपने मैकेनिज्म हैं, दो तरीके से होता है ये कन्वर्ट, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस बाय तीन मेथड हैं। पहला मेथड देखो, 1, 2
एटम और ग्रुप शिफ्ट, एटम और ग्रुप शिफ्ट, 1.2, 1.2 एटम और ग्रुप शिफ्ट से होता है। दूसरा होता है रिंग एक्सपेंशन से, किससे? रिंग के एक्सपेंड होने से, रिंग एक्सपेंशन। इसको हम लोग बोलते हैं 1.2 बॉन्ड शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड 1.2 बॉन्ड शिफ्ट। तीसरा होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड मेथड जो है वो क्या होता है? रिंग के कॉन्ट्रैक्शन से। तो यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। ये तीन मेथड हैं जिससे हमारे पास क्या होगा, कार्बोकैटायन रीअरेंज करके मिलेगा। एक लेस स्टेबल कार्बोकैटायन एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में चला जाता है, आइदर बाय 1.2 एटम और ग्रुप शिफ्ट, और बाय रिंग एक्सपेंशन, और बाय रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तीनों में से कोई भी प्रोसीजर अपना के कार्बोकैटायन बन सकता है। आइए आगे चलते हैं। अब चलो पहले करते हैं 1.2 एटम और ग्रुप शिफ्ट की बात। सबसे पहला है हमारा 1.2 एटम और ग्रुप शिफ्ट, एटम और ग्रुप शिफ्ट, 1.2 एटम और ग्रुप का शिफ्ट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन माइग्रेट करेगा कौन माइग्रेट नहीं करेगा, कब ये माइग्रेशन होगा कब ये माइग्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मेन समझना है वो यही समझना है, माइग्रेशन तभी होगा जब एक लेस स्टेबल कैटायन बना हो मोर स्टेबल में जा रहा हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो स्टेबिलिटी पहले है रीअरेंज करे फिर वही स्टेबिलिटी आए, तो सेम स्टेबिलिटी आना है तो रीअरेंजमेंट क्यों ही होना, नहीं होगा। मोर स्टेबल है रीअरेंज करके लेस स्टेबल में आ गया, तब भी नहीं होना। होगा तभी जब लेस स्टेबल से मोर होने के चांसेस होंगे, कभी भी मोर से लेस में नहीं आएगा। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आप देखिए जरा, सबसे पहले चालू करते हैं यहां से। पहला एग्जांपल देखो, प्रोपाइल कार्बोकैटायन CH3CH2 और ये क्या है CH2+। ये आपका क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है 2, क्योंकि एलिफैटिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होती है वो हाइपर कंजुगेशन डिटरमिन करता है। अब अगर इसको हम रीअरेंज करेंगे तो यहां से बन के आएगा CH3CH CH3, ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका 2° कार्बोकैटायन, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है टोटल 6। तो ये तो बहुत लेस स्टेबल था ना, ये क्या था, बहुत ही ज्यादा लेस स्टेबल था, उससे तो ज्यादा स्टेबल अब हमारे पास आ ही गया है ना। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं, ये 1° था जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या केवल 2 थी, ये आपका 2° है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 9 है, सॉरी 6 है, टोटल 6 है। ये आपका क्या था, एक लेस स्टेबल, ये एक लेस स्टेबल कार्बोकैटायन था, और अब क्या हो गया, ये हो गया मोर स्टेबल। तो लेस स्टेबल से क्या बन गया, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो ये रीअरेंजमेंट तो होगा, तय है। सवाल ये है कैसे हुआ, तो देखिए जरा कैसे हुआ, कैसे हुआ, हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ का जो H था है ना, ये पूरा का पूरा भाग के चला गया CH2 के यहाँ, और जब ये भाग रहा था तो भागते समय क्या करेगा, ये दोनों पेयर लेके जाएगा, क्योंकि इनके घर में कार्बोकैटायन बैठे हैं, ये पूरा पेयर लेके जाएगा। तो जब H पूरा इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो उस पर चार्ज आता है H-, और इसको हम लोग नाम देते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या नाम देते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। यहां से कौन सा शिफ्ट हुआ, यहां से शिफ्ट हुआ 1.2 हाइड्राइड का शिफ्ट, 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए सेकेंडरी कार्बोकैटायन, 1.2 हाइड्राइड का शिफ्ट। तो याद रखिएगा कि जब हम माइग्रेशन कराएंगे, माइग्रेशन करते समय क्या ध्यान रखना है कि माइग्रेटिंग ग्रुप वो होना चाहिए जो कार्बोकैटायन को या तो डीस्टेबलाइज करे या तो कार्बोकैटायन से कोई मतलब ना रखता हो। जो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेंगे उनको कभी मूव मत कराना। पता चला कार्बोकैटायन जो स्टेबलाइज करने वाला है उसी को मूव करा के भगा दिया, तो उसको भगा दोगे तो कैटायन उसके यहाँ जाएगा, मुंह बना के बैठा रहेगा, क्या हो गया क्या हो गया, क्यों
क्योंकि भाई उसके लिए तो आ रहा था, जिसके लिए वो आ रहा था स्टेबलाइज होने, आप उसी को माइग्रेट करा दोगे तो बेचारा लोनली फील करेगा। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, भगाना उसको है जिसकी वजह से या तो कैटायन को कोई फर्क ना पड़ने वाला हो, या तो जो कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करना हो उसको पहले धीरे से निकाल देना है, और कार्बोकैटायन को रखना है उसको जो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करे, उसको हम लोग यहाँ पे कीप करेंगे, उसको हम लोग रख लेंगे। तो ये एक एग्जांपल हुआ आपका सिंपल सा, जहाँ 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में हमने बात करी। नेक्स्ट देखो दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है भैया ये भी बहुत अच्छा सुंदर सा एग्जाम्पल है, CH3H और ये है CH3। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक और कैटायन CH2+ कार्बोकैटायन। अब देखो अगर इसमें रीअरेंजमेंट कराएंगे तो हमें मिलेगा एक ये कार्बोकैटायन CH3, एक हमें ये कार्बोकैटायन मिल सकता है ना, और दूसरा हमें एक माइग्रेशन करा दें तो हमें ये कैटायन मिल सकता है CH3, CH+, CH2, CH3। देखो कैसे हुआ, ये दोनों अलग अलग मेथड से हुए हैं। ये हुआ है जब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया हूं मैं, ये जब हमने हाइड्राइड शिफ्ट किया तब, और ये हुआ जब हमने 1,2 मेथाइल शिफ्ट किया। देखो जरा मैकेनिज्म, जब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर रहे थे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये रेड वाला पाथ फॉलो करो, रेड वाला पाथ है ना, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से अपने को क्या मिला, ये 3° कार्बोकैटायन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 9 थी। फिर हमने दूसरा किसको माइग्रेट करा दिया, इसको मैं दूसरे कलर से यूज करता हूँ, ग्रीन कलर से। हमने जब इसको यूज किया व्हाइट कलर, यहाँ पे मेथाइल शिफ्ट जब कराया है ना, तो ये व्हाइट कलर का ये आपको दिखा रहा हूँ, ये व्हाइट कलर में जा रहा है, तो मेथाइल शिफ्ट से क्या हो रहा है भैया, ये बन रहा है 2° जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है 5। अब सवाल ये है कि ऊपर और नीचे में कौन ज़्यादा स्टेबल है ना, ये 3° है और ये क्या है 2° है, तो आप बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ। सीधी सीधी बात है, ये मोस्ट स्टेबल है, ये क्या है मोस्ट स्टेबल, ये भी स्टेबल है इससे ज़्यादा, बट जब बेहतरीन रूट अवेलेबल हो तो बुरे रूट को चुनने की ज़रूरत नहीं है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट फेवर करेगा ना कि मेथाइल शिफ्ट, क्योंकि हाइड्राइड के जाने से मेथाइल इसको अल्फा हाइड्रोजन देकर स्टेबलाइज करेगा, बट अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट करा दिए होते तो दिक्कत हो जाता, तो शिफ्टिंग हम हाइड्राइड का नहीं करा सकते यहाँ पे, सॉरी मेथाइल का नहीं करा सकते, हाइड्राइड का कराएंगे, क्योंकि हाइड्राइड के शिफ्ट होने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मेथाइल के शिफ्ट होने से स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी हाइड्राइड के कंपेयर में, हाइड्राइड शिफ्टिंग के कंपेरिजन में, दैट इज वाई वी आर प्रिफरिंग शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड इंस्टेड ऑफ मेथाइल। अब जब मजबूरी हो जाएगी तो मेथाइल शिफ्ट मारेंगे, जैसे देखो मजबूरी, ये है मजबूरी, यहाँ पे और कोई शिफ्ट कर ही नहीं सकता, अपने पास केवल क्या है, जो भी है सब मेथाइल है, तो इस कार्बोकैटायन में अगर हम रीअरेंज कराएंगे तो तीनों ग्रुप मेथाइल है, तब तो भैया कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। अब जब कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तो आप मेथाइल शिफ्ट कराओगे ही कराओगे, तो मेथाइल शिफ्ट कराइए और आप ये प्रोडक्ट पाइए, हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, दिस वन, दिस इज फॉर्म एज अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट कौन सा हो रहा है, 1,2 मेथाइल शिफ्ट, 1,2 मेथाइल का शिफ्ट हुआ, 1,2 मेथाइल शिफ्ट, यहाँ पे 1° था जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 थी है ना, इस केस में यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो गया 8 और यहाँ पे आपको मिला 3° कार्बोकैटायन, तो लेस स्टेबल से कहाँ गया है मोर स्टेबल, तो ये रीअरेंजमेंट क्या है, फिजिबल है और ये रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है ना, फिजिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा, ये आपका पहला हो गया। दूसरा अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं रीअरेंजमेंट को लेके, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। तो देखो ये इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या क्या चीज़ें हैं है ना, इस इम्पोर्टेंट नोट में क्या क्या बातें हैं, तो जब रीअरेंजमेंट हम करा रहे होंगे ना,
तो अब माइग्रेशन जिन ग्रुप का होना है वहां पे किसको पहले माइग्रेट करना है और किसको रखना है उसी पे नोट है। चार बातें हैं ध्यान रखिएगा। जैसे ये आपने ग्रुप लगा दिया, ये CH2 है प्लस, यहाँ पे कोई जी ग्रुप लगा है और यहाँ भी कोई ग्रुप लगा है, ठीक। यहाँ मान लो कोई एल्किल है, हमें नहीं पता ये कौन से को ट्रांसफ़र करना है, ठीक। ऐसे नहीं करते हैं, इसको करते हैं तीनों आर लगा देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ये कैटायन बनाया और हमने यहाँ पे तीन आर, R1, R2 और R3 लगा दिया। अब हमको माइग्रेट कराना है, माइग्रेट करा के प्रोडक्ट बनाना है, बट एक्चुअली वी डोंट नो किसको माइग्रेट करना है किसको माइग्रेट नहीं करना है। तो जो जो बातें हैं सब वन बाय वन देखो। सबसे पहली बात, किसको माइग्रेट करना है किसको माइग्रेट नहीं करना है। तो इफ बोथ ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इफ बोथ ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देन पुअर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होंगे, जो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते होंगे विल माइग्रेट। जो पुअर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते होंगे वो माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। दूसरा, इफ वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एनदर इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, एनदर इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, देन EWG will migrate. इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग माइग्रेट होगा क्योंकि उसके रुकने से स्टेबिलिटी गड़बड़ होती है, उसको जाने दो, ठीक है, वो माइग्रेट कर जाएगा। तीसरा, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो, इफ बोथ आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग माइग्रेट कर जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप विल माइग्रेट, जिसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग पावर ज्यादा होगा, क्योंकि अगर वो रुक गया तो कैटायन को खराब कर देगा, उसी को भगा देते हैं, वो भाग जाएगा तो सारा कुछ सेफ रहेगा, सेफ्टी से बच जाएगा। और आखिरी में है, अगर एल्काइल फेनाइल और हाइड्राइड होगा तो पहले माइग्रेशन हाइड्राइड का होगा, फिर मेथाइल का होगा और सबसे लास्ट में फेनाइल का होगा, ठीक है। ये आपका माइग्रेटरी ऑर्डर हो जाएगा। हाइड्राइड होगा तो हाइड्राइड पहले भागेगा, फिर मेथाइल भागेगा, फिर पीएच भागेगा। ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है और माइग्रेशन करके दिखाना है, ठीक है। आइए एग्जांपल्स करा जाए। ये आपको इम्पोर्टेंट बातें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है इनको अच्छे से, क्योंकि माइग्रेशन करते समय आपको मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को रोकना है, विड्रॉइंग वालों को भगाना है, ठीक है। तो अगर मान लो एक से अधिक ग्रुप है तो कोशिश करना हमेशा जो या तो विड्रॉइंग कर रहा हो या तो कार्बोकैटायन को कोई स्टेबिलिटी ना दे रहा हो, कार्बोकैटायन से उसको ज़्यादा मतलब ना हो, उनको रिलीज कर दिया जाए, उनको क्या कर दिया जाए, माइग्रेट। तो माइग्रेशन उन ग्रुप का करा जाएगा जिनकी वजह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी या तो घटेगी या तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल माइग्रेट। और जिनकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी या स्टेबिलिटी इरेज करेगी उनको रोकेंगे ताकि कैटायन उनके यहाँ जाए और स्टेबलाइज हो जाए, ठीक। तो चलो देखो एग्जाम्पल्स के तौर पर। अब एग्जाम्पल के तौर पर अपने पास कई सारे हैं, जैसे अब अपने पास मेथाइल पीएच और एच तीनों हैं, ठीक है। यहाँ मेथाइल भी है, पीएच भी है और एच भी है, तो यहाँ पे किसको माइग्रेट कराएंगे, यहाँ पे बढ़िया होगा माइग्रेट करना हाइड्राइड को, तो यहाँ पे सीधे सीधे हाइड्राइड को कर दो माइग्रेट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा ना, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होते ही अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, वी विल ऑप्टेन दिस प्रोडक्ट। इधर भी CH3, इधर पीएच था ही, इधर आपका CH3 है ही, ये बन जाएगा आपका मोर स्टेबल कैटायन, PH3 और इसमें। नेक्स्ट आपका दूसरा एग्जांपल है जो हम उठाएंगे और उसमें हम लोग यूज करेंगे ये CH2 प्लस, यहाँ पे हमने पीएच लगाया, यहाँ पे पीएच के पैरा पे हमने लगा दिया एक मेथाइल ग्रुप और हमने यहाँ लगा दिया मेथाइल।
तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, दिख रहा है पीएच रेजोनेंस करता है तो नहीं माइग्रेट करेगा, ये मेथाइल माइग्रेट कर जाएगा यहाँ से यहाँ, तो दिस विल फॉलो वन टू मेथाइल शिफ्ट, वन टू मेथाइल शिफ्ट, और ये जब मेथाइल शिफ्ट कर जाएगा तो अपन लोगों को ये प्रोडक्ट मिलेगा सी एच टू सी एच थ्री, कैटाइन यहाँ आ जाएगा, इस रिंग पे मेथाइल था रहेगा, इस रिंग पे पीएच था पीएच रहेगा, ये कैटाइन अपन लोग को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला कैटाइन में अपने पास ये है इंटरेस्टिंग चीज, सी एच टू प्लस, दिस इज मेथॉक्सी, दिस इज पीएच एंड दिस इज सी एच थ्री, इसमें कौन माइग्रेट करेगा? आपको लग रहा होगा मेथॉक्सी माइग्रेट करे, बट मेथॉक्सी नहीं जाएगा, मेथॉक्सी रुकेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, जब कैटाइन यहाँ आएगा तो इसको लोन पेयर दे के वो क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा, तो यहाँ से माइग्रेट कराएंगे हम लोग किसका, फिर से मेथिल का ही बलि का बकरा बना दिया जाएगा, मेथिल को हम लोग क्या कर देंगे, भगा देंगे, क्योंकि मेथॉक्सी रुक के इसको प्लस एम के थ्रू क्या करेगा, इस कैटाइन को स्टेबलाइज करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर ये रहा तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे के इसमें कन्वर्ट कर देगा, जो कि हाईली स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट वाला हो जाएगा, देखिए ये बन जाएगा, है ना, और ये कैटन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा, बाद में न्यूक्लियो फैलाएगा अपना, इसी पटैक करेगा, फिर ये ओएच हो जाएगा। तो ये प्लस एम करता है, दैट इज वाई ऑक्सीजन नहीं जाता, ऑक्सीजन रहेगा, हमने किसको भेज दिया, मेथाइल को भेज दिया, मेथॉक्सी से बढ़िया पीएच भी नहीं है, इसीलिए मेथाइल माइग्रेट कर गया। ठीक है, ऐसे आपको सब चीज़ें क्या करनी है, याद करनी है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये चार ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे pH है, नॉर्मल pH है, और यहाँ पे लगा हुआ है मेथॉक्सी OCH3 इसके पे, ये आपका कार्बो कैटाइन है, इसमें कौन माइग्रेट करेगा, इस तीनों में कौन माइग्रेट करेगा? तो अगर इन तीनों में बात करेंगे तो हम सबको अच्छे से पता है कि ये pH, ये और मेथॉक्सी और ये विड्रॉइंग, विड्रॉइंग वाला ग्रुप क्या होगा, माइग्रेट कर जाएगा, है ना, ये माइग्रेट कर जाएगा और अपन लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा होगा, सी एच टू पे नाइट्रो निकल लिया, पीएच एनओ टू कहाँ चला गया, इस पे। यहाँ पे साइज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, साइज देख के मत करना बड़ा था वजन था, वजन थोड़े देखना है, स्टेबिलिटी देखना है, तो मेथॉक्सी यहाँ और नॉर्मल पीएच यहाँ रहेंगे, और ये हमारा कार्बो कैटायन, दिस इज मोर स्टेबल कार्बो कैटायन, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा कार्बो कैटायन। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहाँ देखना है, कौन माइग्रेट करेगा, किसको रोकना है और किसको भगा देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब इसके बाद कार्बोकैटायन में हम लोग पढ़ेंगे रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन, ये रिंग का एक्सपेंशन कैसे होता है और क्यों होता है, और रिंग एक्सपेंशन होगा तो क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, रिंग एक्सपेंशन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं रिंग एक्सपेंशन क्या होता है।